हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2016 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड उसी के साथ साथ अभी पर है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिचरकरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा, होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप

तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन थू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कोदी बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी प्लस पर आप लोग इजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

करते कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी सशी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस में की गए, and उसी के साथ साथ सवाल तो के, के जवाब आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई है जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर करंट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल, जो के काफी अच्छे से किया गया है, मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सतना टीटस देखने को मिलेंगे भगवती दीपा और रवीना रवि जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे

उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन थू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कोदी बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है है वो अवेलेबल है जी प्लस पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत

करते चलें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी सशी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस साथ साथ कहा तो तमाम सवाल के, के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरकरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है इस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सतना टीटस देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ भगवती दीपा और रवीना रवि जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी ससी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से पर सारी की सारी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हां उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन थू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कु बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा

पर सारी की सारी की एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर आप लोगों को सॉन्ग्स एंड मिलेंगे तो यहां पर इन दोनों को अरेंज किया है प्रोड्यूसर्स भी हैं एंड म्यूजिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएगी तो यह काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस नहीं तो डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर करण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा

एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक like सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन थू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत

करते चले गूगल के, के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी सशी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहा जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरकरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि करेंगे किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा માં હોગા રોમાન્સ હોગા ક્યા હોગા ક્યા ઇસ મૂવી કે અંદર તો યહા પર આપ લોકો કો ઇસ મૂવી મે દેખને કો મિલ જાયેગા જી એક્શન પ્લસ થ્રિલ જો કે કાફી અચ્છે તરીકે સે યહા પર પ્રેઝન્ટ કિયા ગયા હૈ ઉસે કે સાથ સાથ હમ બાત karte chalein कास्टिंग की કે કોન કોન સે એસે એક્ટર્સ હૈ જો કે આપ લોકો કો ઇસ મૂવી કી સ્ટાર કાસ્ટ મે દેખને કો મિલેંગે તો ઇસકી સ્ટાર કાસ્ટ મે આપ લોકો કો વિજે એન્ટની દેખને કો મિલેંગે સતના ટીટસ દેખને કો મિલેંગે એન્ડ ઉસે કે સાથ સાથ ભાગવતી દીપા ઓર રવિના રવિ જેસે બહોત سارے છેછે એક્ટર્સ બહોત سارے લેજેન્ડરી सारे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

चलें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहा जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर करंट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि करेंगे किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा માં હોગા રોમાન્સ હોગા ક્યા હોગા ક્યા ઇસ મૂવી કે અંદર તો યહા પર આપ લોકો કો ઇસ મૂવી મે દેખને કો મિલ જાયેગા જી એક્શન પ્લસ થ્રિલ જો કે કાફી અચ્છે તરીકે સે યહા પર પ્રેઝન્ટ કિયા ગયા હૈ ઉસે કે સાથ સાથ હમ બાત karte chalein कास्टिंग की કે કોન કોન સે એસે એક્ટર્સ હે જો કે આપ લોકો કો ઇસ મૂવી કી સ્ટાર કાસ્ટ મે દેખને કો મિલેંગે તો ઇસકી સ્ટાર કાસ્ટ મે આપ લોકો કો વિજે એન્ટની દેખને કો મિલેંગે સતના ટિટસ દેખને કો મિલેંગે એન્ડ ઉસે કે સાથ સાથ ભાગવતી દીપા ઓર રવિના રવિ જેસે બહોત سارے ache ache actors બહોત سارے legendary सारे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एनथू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कोदी बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड Google के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम डोरेशन पर दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की आई एम डीवी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.6 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ-साथ हम बात करते चलेंगे कि इसे Google के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे Google के यूजर्स की तरफ से 84% परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चन ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहां पर मैंने शेयर किया

इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि करेंगे किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा માં હોગા રોમાન્સ હોગા ક્યા હોગા ક્યા ઇસ મૂવી કે અંદર તો યહા પર આપ લોકો કો ઇસ મૂવી મે દેખને કો મિલ જાયેગા જી એક્શન પ્લસ થ્રિલ જો કે કાફી અચ્છે તરીકે સે યહા પર પ્રેઝન્ટ કિયા ગયા હૈ ઉસે કે સાથ સાથ હમ બાત કરતે ચલેંગે કાસ્ટિંગ કી કે કોન કોન સે એસે એક્ટર્સ હૈ જો કે આપ લોકો કો ઇસ મૂવી કી સ્ટાર કાસ્ટ મે દેખને કો મિલેંગે તો ઇસકી સ્ટાર કાસ્ટ મે આપ લોકો કો વિજે એન્ટની દેખને કો મિલેંગે સતના ટિટસ દેખને કો મિલેંગે એન્ડ ઉસે કે સાથ સાથ ભાગવતી દીપા ઓર રવિના રવિ જૈસે બહોત سارے ache ache actors bhot sare legendary सारे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

करते चलें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी ससी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहा जवाब आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई है जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरंट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा માં હોગા રોમાન્સ હોગા ક્યાં હોગા ક્યાં ઇસ મૂવી કે અંદર તો યહા પર આપ લોકો કો ઇસ મૂવી મે દેખને કો મિલ જાયેગા જી એક્શન પ્લસ થ્રિલ જો કે કાફી અચ્છે તરીકે સે યહા પર પ્રેઝન્ટ કિયા ગયા હૈ ઉસે કે સાથ સાથ હમ બાત karte chale hai कास्टिंग की કે કોન કોન સે એસે એક્ટર્સ હે જો કે આપ લોકો કો ઇસ મૂવી કી સ્ટાર કાસ્ટ મે દેખને કો મિલેંગે તો ઇસકી સ્ટાર કાસ્ટ મે આપ લોકો કો વિજે એન્ટની દેખને કો મિલેંગે સતના ટિટસ દેખને કો મિલેંગે એન્ડ ઉસે કે સાથ સાથ ભાગવતી દીપા ઓર રવિના રવિ જૈસે બહોત سارے અચ્છે અચ્છે એક્ટર્સ બહોત سارے લેજેન્ડરી सेलिब्रिटी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक like सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत

करते चलें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारी डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो प्रसन्न कुमार जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को संभाला है एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर वीरा सेंथिल राज आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग्स एंड बीजेम सुनने को मिलेंगे तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को अरेंज किया है जी विजय एंटनी

पिक्चर करण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड उसी के साथ साथ अभी ये यूट्यूब पर अवेलेबल है पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरंट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्राइव

उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत

करते चलें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहा जवाब आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की कि

मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हां उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी प्लस पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर आप लोगों को सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे तो यहां पर इन दोनों चीजों को अरेंज किया है जी विजय एंटनी ने ही 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 उन्होंने पर 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 बहुत ही अच्छे तरीके से लीड रोल भी प्ले किया है एंड उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी हैं एंड म्यूजिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएगी तो यह काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी करण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड उसी के साथ साथ अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरंट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा માં હોગા રોમાન્સ હોગા ક્યા હોગા ક્યા ઇસ મૂવી કે અંદર તો યહા પર આપ લોકો કો ઇસ મૂવી મે દેખને કો મિલ જાયેગા જી એક્શન પ્લસ થ્રિલ જો કે કાફી અચ્છે તરીકે સે યહા પર પ્રેઝન્ટ કિયા ગયા હૈ ઉસે કે સાથ સાથ હમ બાત karte chalein कास्टिंग की કે કોન કોન સે એસે એક્ટર્સ હે જો કે આપ લોકો કો ઇસ મૂવી કી સ્ટાર કાસ્ટ મે દેખને કો મિલેંગે તો ઇસકી સ્ટાર કાસ્ટ મે આપ લોકો કો વિજે એન્ટની દેખને કો મિલેંગે સતના ટિટસ દેખને કો મિલેંગે એન્ડ ઉસે કે સાથ સાથ ભાગવતી દીપા ઓર રવિના રવિ જેસે બહોત سارے ache ache એક્ટર્સ બહોત سارے લેજેન્ડ लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन थू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी प्लस पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

करते चलें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो प्रसन्न कुमार जो हैं वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को संभाला है एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर वीरा सेंथिल राज आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अरेंज किया है जी विजय एंटनी

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड उसी के साथ साथ अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को, आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हां उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन एन एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरु कोदी वनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल

किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से एट्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की सवाल के, साथ साथ तो के, के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई है जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा

आप लोगों को को इस इस मूवी मूवी की सारी की की पर पर सारी 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 स्टार कास्ट में देखने मिलेंगे उसी के के साथ साथ हम बात करते कि डायरेक्टर कौन है सारी की सारी को है है डायरेक्शन डायरेक्शन किसने संभाला क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन थू एन थू एर बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

करते चलें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी ससी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की गए, पर रिलीज की गई साथ साथ तो को आज की इस वीडियो में मिलने वाले है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी दोस्तों के साथ लाजमी से

इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिचकरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप

पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी ससी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन थू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरु को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत

एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस नहीं तो डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चीज इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई है जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर करंट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या, क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस साथ साथ मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सतना टीटस देखने को मिलेंगे भगवती दीपा और रवीना रवि जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कोदी बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे आगे बढ़ते हुए बात करते चलें के इस की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम डोरेशन पर इसकी टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत

करते चले गूगल के, इसे के की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी ससी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकेस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस नहीं तो डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई है जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा, होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप

पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी ससी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एन एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कु बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा

करते चलें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी ससी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

नहीं उन्होंने ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लीड रोल भी प्ले किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोड्यूसर्स भी हैं एंड म्यूजिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएगी तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2016 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर करण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक like पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी दोस्तों के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक

किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप

यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिशुम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कोदी वनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड

एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारे के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो प्रसन्न कुमार जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को संभाला है एडिटिंग

फिल्म आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी करण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे क्ट बताए हैं ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ चंदोल पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड उसी के साथ साथ अभी यह कहां पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजें चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल तो इंटरेस्टिंग से, से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि के हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर करण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सतना टीटस देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ भगवती दीपा और रवीना रवि जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हां उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिशुम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

करते चलें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये साथ साथ तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा માં હોગા રોમાન્સ હોગા ક્યા હોગા ક્યા ઇસ મૂવી કે અંદર તો યહા પર આપ લોકો કો ઇસ મૂવી મે દેખને કો મિલ જાયેગા જી એક્શન પ્લસ થ્રિલ જો કે કાફી અચ્છે તરીકે સે યહા પર પ્રેઝન્ટ કિયા ગયા હૈ ઉસે કે સાથ સાથ હમ બાત karte chalein कास्टिंग की કે કોન કોન સે એસે એક્ટર્સ હે જો કે આપ લોકો કો ઇસ મૂવી કી સ્ટાર કાસ્ટ મે દેખને કો મિલેંગે તો ઇસકી સ્ટાર કાસ્ટ મે આપ લોકો કો વિજે એન્ટની દેખને કો મિલેંગે સતના ટિટસ દેખને કો મિલેંગે એન્ડ ઉસે કે સાથ સાથ ભાગવતી દીપા ઓર રવિના રવિ જૈસે બહોત سارے ache ache actors bhot sare legendary सेलिब्रिटी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा

करते चलें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी ससी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया के ये किस तरह की मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी हर वीडियो की आप तक पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिछकरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप

यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत

पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर आप लोगों को सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे तो यहां पर इन दोनों चीजों को अरेंज किया है जी विजय एंटनी ने ही ही उन्होंने पर बहुत ही अच्छे तरीके से पर लीड रोल भी प्ले किया है एंड उसी के साथ साथ पर भी हैं एंड म्यूजिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएगी तो यह काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए

के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिछकरण के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप

पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी ससी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत लंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ-साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.6 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

पिक्चरण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड उसी के साथ साथ अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी िक्चर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्राइव માં હોગા રોમાન્સ હોગા ક્યા હોગા ક્યા ઇસ મૂવી કે અંદર તો યહા પર આપ લોકો કો ઇસ મૂવી મે દેખને કો મિલ જાયેગા જી એક્શન પ્લસ થ્રિલ જો કે કાફી અચ્છે તરીકે સે યહા પર પ્રેઝન્ટ કિયા ગયા હૈ ઉસે કે સાથ સાથ હમ બાત karte chale hain कास्टिंग की કે કોન કોન સે એસે એક્ટર્સ હે જો કે આપ લોકો કો ઇસ મૂવી की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सतना टीटस देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ भागवती दीपा और रवीना रवि जैसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी

उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक like सीनू रोजा कोटम डिशियम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू को बनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी प्लस पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन पर कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत

करते चलें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहाँ पर डायलॉग्स को लिखा है जी ससी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ, साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अकीस जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे

करण को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड उसी के साथ साथ अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर के अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पिक्चर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी एक्शन प्लस थ्रिल जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों सारी कास्ट में देखने को मिलेंगे, मिलेंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि क्या उन्होंने पहले कोई मूवीज डायरेक्ट की हैं तो जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सीनू रोजा कोटम दिश्युम और उसी के साथ साथ पू एन थू एनथू एन थू एर उसी के साथ साथ यहाँ पर नूरू कोदी वनाविल आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहां पर आई रेटिंग क्या है एंड गूगल

किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.6 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ-साथ हम बात करते चलेंगे कि इसे Google के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे Google के यूजर्स की तरफ से 84% तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है एंड डायलॉग्स को किसने लिखा है तो यहां पर डायलॉग्स को लिखा है जी शशि ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी के सारे डायलॉग्स को भी लिखा है उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन की बात करें तो अक्स जो है वो आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विजय एंटनी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो प्रसन्न कुमार जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को संभाला है एडिटिंग की

कॉरपोरेशन आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएगी तो यह काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरताबा डेफिनेटली देखना